नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। पहुंचे हैं संदीप चाहर जी के कार्यालय पे और यहां पर आज सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन किया गया था। और देख सकते हैं आप लोग, लाइव के जरिए मैं दिखा रही हूं आपको, हवन चल रहा है और यहां पर देख सकते हैं तमाम लोग जुड़े हैं और देख सकते हैं आरती शुरू हो रही है। नंबर वाइज सभी आरती करेंगे और आरती करके वो पीछे जाएंगे आरती करने वाले में। तो सबसे दरबार की कोई भी आरती में हाथ न लगाए, पहले आरती भगवान को दी जाएगी, पहले आरती करेंगे उसके बाद आरती लेंगे। वो सत्य भगवान की जय लक्ष्मी रामडा, स्वामी जय लक्ष्मी रामडा, स्वामी जन पातक हरे नाम, ओम जय लक्ष्मी रमणा, जगत सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे, प्रकट भये कल कारण, ध्वज को तरस दियो स्वामी, ध्वज को तरस दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, कंचन महल दियो, जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराय विपत हरी, ओम जय लक्ष्मी रमणा, दर्श मनोरथ पायो, सरता तजनी स्वामी, सरता तजनी सोपल भोग प्रभु जी, सोपल भोग प्रभु जी, स्तुति कीनि, ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्त के कारु जा
जितने विषय उठाए हुए उनका सत्कार है, अभिनंदन है और
मुस्लिम समाज के लिए स्थान ग्रहण दिया जाए, स्थान दें। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे समाज की, यहाँ संतों का आगमन हो, वहाँ भगवान की बातचीत करेंगे। संदीप चौहान जी यहाँ पर हैं और बातचीत करेंगे। भाई साहब जल्दी ओ भाई साहब शांति अंदर शांति पृथ्वी शांति राधा शांति इधर ही आ जाओ, शांति इधर ही आ जाओ, शांति विश्व देवा शांति महा शांति सर्व शांति शांति देवा शांति शांति। देखिए संदीप चार जी हमारे साथ हैं और बातचीत करेंगे। जी सर, सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए आप देख रहे हैं 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है। 500 वर्ष से जो हम लोग 500 वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे थे सनातन धर्म के जी। सभी भारतवर्ष के अंदर जी और भारतवर्ष के साथ साथ जितने भी हमारे विश्व के अंदर सनातनी भाई हैं, बड़े इंतजार 500 वर्ष का जी। आप देख रहे होंगे 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा की जा रही है। उसके उपलक्ष में देखिए सनातन धर्म के अनुसार कोई भी शुभ कार्य जब किया जाता है तो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया जाता जी। है और आज सत्य की जीत हुई है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कर कमलों द्वारा की जा रही है, तो पूरे भारतवर्ष के अंदर हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है और बल्लभगढ़ की ऐतिहासिक धरती पावन धरती से आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। आपने देखा बड़े संत समाज और यहाँ के बल्लभगढ़ लोग अपने बल्लभगढ़ क्षेत्र के और भी आसपास के गांव दूर क्षेत्र के यहाँ संत समाज ब्राह्मण और भी सभी यहाँ उपस्थित हैं। मातृ शक्ति यहाँ आई हुई है तो ये उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जा रहा है और इसकी आगाज जो बल्लभगढ़ की ऐतिहासिक धरती पावन धरती से, जो बल्लभगढ़ की बलिदान दिवस कहते हैं बलिदानों की धरती है, तो यहाँ से सब कार्य आज किया जा रहा है। भगवान सत्यनारायण की कथा और उसके बाद आप देख रहे हैं हवन का भी आयोजन है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सनातन धर्म के अनुसार आप देख सकते हैं जब कोई भी कार्य शुभ कार्य किया जाता है तो उसके बाद हवन, सत्यनारायण की कथा और हवन, हवन के बाद एक प्रसाद जी। भगवान को आह्वान करने के लिए उसमें प्रसाद का आयोजन किया जाता है तो आज बहुत ही बड़े विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और आप सभी से भी मैं निवेदन करूंगा, आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं सभी के लिए अपने बल्लभगढ़ क्षेत्र के और भी सभी साथियों को निमंत्रण दूंगा कि वे इस कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और संत समाज आ रहा है उसका आशीर्वाद ग्रहण करें। ये बाबा यहाँ आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और मैं तो इसी आपके चैनल के माध्यम से भी यही बार बार कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और साधु संतों की वचन सुन प्रवचन सुने और उनका आशीर्वाद ले और प्रसाद जी। ठीक है मैडम, तो देखिए सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन किया गया था, इसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन है और सभी सत्यनारायण जी की कथा भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, भव्य आरती का आयोजन हो रहा है। ऐसी तमाम सब सर्कल से जो होंगे देख रहे हैं संचालन।